दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज मेरे पास आया है एक्सट्रीम 160R। इस बाइक का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, कस्टमर ने कुछ दिन पहले सर्विस सेंटर से सर्विस कराया, भी उस टाइम से जो प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, इग्निशन स्विच ऑन करने से जो फ्यूल नीचे से गिर रहा है, तो इस तरह क्यों हो रहा है, आज इस वीडियो के जरिए से टोटली जानकारी देने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं, जिसके पास बाइक है, वो दोस्त हमें देखिए, आपका बाइक के साथ भी इस तरह प्रॉब्लम आ रहे, तो आपको कौन सा चीज चेक करना है, कैसे करना है और उसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर भी क्या है, टोटली जानकारी मिलेगा। तो आइए देखिए, आपको देखने को मिल रहा है ये जो सीट वो मैंने खोला हूँ और ये जो फ्यूल टैंक वो भी खोला हूँ। अभी मेरे को ये बाहर कर लेना है और उसके बाद मेरे को इग्निशन ऑन करके देखना है कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। और कस्टमर ने मेरे को बताया फ्यूल होस कटिंग हो गया है, उसी वजह से जो ऑयल वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो आइए एक खोल के देख लेता हूँ। ये फ्यूल टैंक बाहर करने का काम भी हो गया, अभी मेरे को दूसरा साइड को जाना है। अभी दूसरा साइड जाके आपको दिखाने की कोशिश करो इसका प्रॉब्लम क्या है। मेरे को फ्यूल होस को देख लेना है और उसे देखिए दोस्त, आपको भी एक चीज देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो फ्यूल इंजेक्टर, इधर बहुत सारा गाम देखने को मिल रहा है और जो ऑयल इधर से आ रहे है, ये तो मेरे को देख के पता ही चल रहा है, इस तरह गाम रहता भी नहीं है। और देखिए बहुत सारा गाम है। देखिए ये जो फ्यूल होस, ये होस तो सही है, ये देखिए इसमें प्रॉब्लम आया है। और उस टाइम जो सर्विस सेंटर वाला जो दोस्त काम किया है, उसने गाम वगैरह दिया है और कस्टमर को बाइक डिलीवर किया है। देखिए अभी मेरे को इसमें जो एक एलंकी लगा हुआ है, ये खोलना है, फ्यूल होस खोलना है। देखिए ये मेरे को खोलना है, खोल गया है, अभी बाहर करने का काम बाकी है। और बाहर करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, आपको एक चीज देखने को मिल रहा है, देखिए ये जो होस टूटा नहीं है। आपको एक चीज और भी देखने को मिल रहा है, देखिए इसमें भी एक लॉक लगा रहे थे, ये लॉक भी नहीं है। और देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये कितना सारा गम डला है और गम डल के जो होस वो होस फिट किया था और वहाँ से जो ऑयल लीकेज वो हो रहा है। और मेरे को सिर्फ इसको चेंज करना है, ऊपर का ऊपर वाला का ऊपर पोजीशन, और इसका प्राइस थोड़ा कमी है और ये चेंज करने से जो प्रॉब्लम वो जरूर सॉल्व होगा। टोटल चेंज करने से बहुत ही सारा बहुत पैसा खर्चा होगा, ये मेरे को चेंज करना है। ताई ए बाहर कर लेता हूँ, ए बाहर हो गया। आपको एक देखना चाहता हूँ, इसमें आपको दिखाई दे रहा है लॉक, दूसरा साइड में भी लॉक, ये लॉक को ओपन करके ए बाहर कर लेना है। अभी ए बाहर करता हूँ और उसका प्राइस पार्ट नंबर भी दिखाता हूँ और टोटल इंजेक्टर का प्राइस भी आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों आपको एक चीज़ देखना चाहता हूँ, देखिए ए फ्यूल इंजेक्टर, ए फ्यूल इंजेक्टर का प्राइस 1525 रुपीज़। अभी ए भी बाहर करके देखना चाहता हूँ, देखिए ए फ्यूल इंजेक्टर आपको एक चीज देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें आपको होस नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए ए फ्यूल इंजेक्टर में। अभी आपको देखना चाहता हूँ, देखिए ये जो ऊपर होस लगा रहता है वो होस इसमें है। अभी मेरे को ये सेट करना है और इसका प्राइस देखिए 46 रुपीज़। अभी ये मेरे को सेट करना है और ये सेट करके आपको देखना चाहता हूँ, ये इंजेक्टर को साफ सफाई करके ये इंजेक्टर को मेरे को सेट करना है। आपको देखिए इधर ये लॉक को ओपन करना है, उसके बाद एक कैप बाहर आएगा। अभी ये लॉक ओपन करके कैप को बाहर कर लेता हूँ। देखिए इसमें गम डला हुआ है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ये मैं आराम से बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद कैसे इंस्टॉल करना है वो दिखाता हूँ। देखिए एक साइड खुलने का काम हो गया, अभी सेम प्रोसेस दूसरा साइड भी उसी तरह से ओपन करना है। ये थोड़ा गम वगैरह इसके अंदर जाने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इसको भी सेम प्रोसेस। देखिए इसमें चिप का हुआ है, अभी ये मैं खोल लेता हूँ, खोलने के बाद कैसे सेट करना है वो भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्त, ये लॉक खोलने का काम हो गया, अभी मेरे को ये इंस्टॉल करना है। और देखिए ये इंस्टॉल करने के बहुत ही इजी, आपको देखना चाहता हूँ। देखिए ये हो गया,
अभी इस तरह से आपको ये इंस्टॉल करना है। सॉरी देखिए देखिए ये हो गया। अभी ए सेट करने से इसका जो प्रॉब्लम था वो जरूर सॉल्व होगा। तो यही ए सेट कर लेता हूँ और उसके बाद इसका जो ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्त ये टोटली सेट करने काम हो गया। अभी स्टार्ट देखे भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए स्टार्ट भी हो गया दोस्तों। मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो जरूरी अच्छा लगा होगा। और आप पहले बार मेरे चैनल में आए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बाजू में जो बेल आइकन रहता है उसको दबा के रखें नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। आज इतना ही बस। ओके बाय दोस्तों।